तो मैं इनकी दूसरी आपको स्टोरी सुना देता हूँ जो बड़ी दुख भरी है। थैंक यू टू ऑल हु विश्ड मी हैप्पी बर्थडे, बट फॉर मी इट्स माई वर्स्ट बर्थडे एवर। मतलब ये आप सुन रहे हैं बात, कैप्टन कह रहे हैं, दिल से बात निकल रही है। आई एम फीलिंग सो डिप्रेस्ड फॉर आवर परफॉर्मेंस। मतलब यहाँ पर बात ये आ जाती है कि बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अब्दुल नाफे और आप देख रहे हैं नाफे वासी वाइंस यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ टीम फ्री स्टाइल के जो उन्होंने मैसेज किया है हेटर्स के लिए और जो मैसेज दिया है, पैगाम दिया है हेटर्स को, वो मैं आपको साथ शेयर करूँगा। बिल्कुल ऑथेंटिक न्यूज़ है और काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है आज की, इसलिए आज की वीडियो को लाइक करें और चैनल को प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाना ताकि आपको जो लेटेस्ट न्यूज़ हम देते हैं वो आपको जल्द अज जल्द मिल सके। तो मैं आपको दे देता हूँ इन्फॉर्मेशन। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफली बता देता हूँ कि पिछली वीडियो में आपको मैंने बताया था कि टीम फ्री स्टाइल ने बहुत बुरा खेला है। मैंने सबसे पहले मतलब क्या नाम है, कोशिश की थी कि मैं आप लोगों को बता दूं और जिन्होंने बेल आइकन वगैरह दबाया होगा, सब्सक्राइब किया होगा, उनको मिल गई होगी न्यूज़। तो क्या नाम है, मैंने आपको बताया कि टीम फ्री स्टाइल कितनी पोजीशन आई, क्या बायर हो गई है कि नहीं हुई, मतलब बायर नहीं हुई, मैंने आपको सारी न्यूज़ दे दी और क्या सीन था सारा का सारा। तो इसलिए फिर मैंने आपको जल्द से जल्द बता दिया कि टीम फ्री स्टाइल बायर नहीं हुई, लेकिन मैंने आपको ये भी साथ साथ बताया था कि बहुत बुरा खेला और ये वो जो सीन हुआ है। तो उसके उसको मद्देनज़र रखते हुए टीम फ्री स्टाइल का जो मैसेज आना चाहिए था, क्योंकि जाहिर सी बात है आप लोगों को मैंने फिर भी बोला था कि सपोर्ट करें टीम को, क्योंकि हमारी टीम वही खेल रही है इस वक्त पाकिस्तान की। बेशक मेरा कुछ ज़ाती लिंक नहीं है, कोई मुझे फ़ायदा नहीं मेरा टीम फ्री स्टाइल को अच्छा बोलने से, सिर्फ ये बात है कि वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और दे आर द ओनली वाहिद, सिर्फ सिंगल टीम है जो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रही है। तो इसलिए पाकिस्तान के लिए हमें उनको सपोर्ट करना चाहिए और अवार्ड्स वगैरह भी आप लोगों ने दिए उनको, ठीक है। तो 5 लाख प्लस हो गए उनके इस वक्त माशाल्लाह से। तो अभी इस वक्त फ्री स्टाइल जो बुरा खेली है, जाहिर सी बात है अब मैंने तो आप लोगों को मना किया था कि इस तरह नहीं करना, लेकिन लोगों ने उनको सही हेट भेजा और कहा कि ये कौन सी टीम उठ के आ गई। बेशक मैं मानता हूँ कि अगर आपको मैं ब्रीफली बता दूँ कि ये टीम इतना ज़्यादा अच्छा नहीं खेली थी PMCO में, लेकिन एक अनबिलीवेबली मतलब अंदर आ गई थी, एकदम से फाइनल जीत की थी और ये सीन हुआ, लेकिन देखें जीती तो वही ना, बात तो वहाँ पर ख़त्म हो जाती है और इसलिए फिर क्या नाम है अभी यहाँ पर बुरी परफॉर्मेंस हुई है। तो यहाँ पर अब मैं आपको देने जगह ले जा रहा हूँ, जो लोग पूरी वीडियो देखते हैं उनको फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। तो हेटर्स के लिए जो उन्होंने मैसेज दिए वो मैं आपको बता देता हूँ। क्या नाम है, जो FS बाबा हैं उनकी मैं आपको स्टोरी बता देता हूँ, ये आपके स्क्रीन पर आ रही है। सॉरी फॉर टुडे, आज नहीं तो कल इंशाल्लाह। मतलब ये कहने का मतलब नहीं है कि आज, यानी कि ये कल की स्टोरी है तो कि कल डालेंगे, ये बात नहीं है। मतलब जो आगे इनके ट्यूसडे और वेडनेसडे को मैचेस हैं उनमें कोशिश करेंगे। तो ये अब मैं आपको बता देता हूँ, इससे पहले उन्होंने ये कहा था हेटर्स के लिए कि थैंक्स फॉर सपोर्ट जो कर रहे हैं और करते रहेंगे, बाकी हेटर्स के लिए नो वर्ड्स। उन्होंने नो वर्ड्स दिया क्योंकि जाहिर सी बात है उस वक्त इनको बहुत ज़्यादा हेट मिल रहा था। तो अब मैं आपको कैप्टन की तरफ ले जाता हूँ। कैप्टन की मैं स्टोरी आपको दिखाती हूँ, ये आपकी स्क्रीन पर आ चुकी है। वी नो आवर परफॉर्मेंस ऑफ टुडे वाज नॉट गुड एंड रियली डिसअपॉइंटेड एवरीवन, अप्स एंड डाउन्स आर अ पार्ट ऑफ लाइफ, इंशाल्लाह वी विल रिमेन स्टेडफास्ट एंड राइज बैक अप टू योर एक्सपेक्टेशंस, आई एम रियली सॉरी। और ब्रोकन हार्ट उन्होंने साथ डाल दिया। तो ये FS ब्लैक यानी कि जो कैप्टन है उनको भी बहुत बुरा लग रहा है और यानी कि उन्होंने भी ये कहा है कि मेरे से परफॉर्मेंस बहुत बुरी हुई है। और जाहिर सी बात है अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी, कल के जो मैचेस हुए हैं उनमें सबसे लो ये आए हैं, बेशक एक दो नंबर ऊपर होंगे लेकिन सबसे जो लोएस्ट परफॉर्मेंस इनकी कल गई है, हालांकि पहले मैच में बहुत अच्छा खेला था। अब तो मैं इनकी दूसरी आपको स्टोरी सुना देता हूँ जो बड़ी दुख भरी है। थैंक यू टू ऑल हु विश्ड मी हैप्पी बर्थडे, बट फॉर मी इट्स माई वर्स्ट बर्थडे एवर। मतलब ये आप सुन रहे हैं बात, कैप्टन कह रहे हैं, दिल से बात निकल रही है। आई एम फीलिंग सो डिप्रेस्ड फॉर आवर परफॉर्मेंस। मतलब यहाँ पर बात ये आ जाती है कि ये अपनी गलती को मान रहे हैं, हालांकि ज़रूरी तो नहीं है कि वो गलती को माने, ठीक है वो चुप रह जाएं, अपनी परफॉर्मेंस में लगे रहें, मतलब प्रैक्टिस करते रहें। उन्होंने साथ ही जवाब दे दिया कि भाई इतना हमें मोटिवेट ना करो, सपोर्ट करते रहो, आगे हम इंशाल्लाह ताला अच्छी परफॉर्मेंस देने की कोशिश जारी रखेंगे और कोशिश करते रहेंगे। तो ये थी इनकी स्टोरीज और FS ब्लैक ने हमारी स्टोरीज भी देखी हैं, ये आपकी स्क्रीन पर आ रही है, थैंक यू सो मच। तो आप लोग भी करें, इंस्टाग्राम पर देखी थी स्टोरीज, जारी सी बात है, तो अगर आप लोग भी इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो कर लें। आपके सामने यूज़र नेम आ रहा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे नाफे वासे वाइंस के इंस्टाग्राम का, उधर भी फॉलो मार लो, नाफे वासे एक्स्ट्रा को भी चेक कर लेना। और आज की वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।